राजस्थान में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। प्रदेश के 40 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है, जबकि 16 आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बता दें कि इसको लेकर कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पहले भी सरकार ने 70 से ज्यादा अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के प्रमुख सचिव टी रविकांत को प्रमुख शासन सचिव नगरीय एवं आवासन विभाग के साथ साथ प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग की कमान सौंपी गई है। इसके अलावा 16 से अधिक अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। वहीं समित शर्मा को शासन सचिव सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि आईएएस समित शर्मा ने साल 2011 में राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने निःशुल्क दवा योजना लागू की थी। देश में इसकी अनूठी पहल में शर्मा का मुख्य योगदान रहा था। राजस्थान में निःशुल्क दवा योजना लागू करवाने के बाद आमिर खान के टीवी शो सत्यमेव जयते के जरिए चर्चाओं में आए थे। इसके साथ ही शर्मा को गायन का बेहद शौक है। वह प्रोग्रामों में जाते हैं एवं गायकी का हुनर दिखाते हैं और गायकी का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में बना रहता है। वहीं आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण में मंजू राजपाल को कमिश्नर लगाया गया है। इसके पहले राजस्थान में 5 जनवरी को राजस्थान सरकार ने 193 आईएएस आरएएस अधिकारियों का भी तबादला किया था। जनता दरबार न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए जनता दरबार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।